लोग जैसा जानते हैं कि कोरोना वायरस की प्रॉब्लम के कारण आप लोगों की क्लासेस नहीं हो रही है, तो इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही है, जिससे आप लोग घर बैठे आपके नोट्स ले सकें और आपका सिलेबस जितना पॉसिबल हो उतना सिलेबस आप लोग कवर कर सकें। तो जैसे कि बी एस सी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को पता है कि अभी तक अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है और आप सबसे पहले जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आज आपको साइकेट्रिक की फर्स्ट क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है, आप लोग कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए, इसके बाद वन बाय वन आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग आप लोग जानते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज आल्सो नोन एज साइकेट्रिक नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग को किस नाम से जाना जाता है? साइकेट्रिक नर्सिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको मेनली थर्ड ईयर में तीन ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मेंटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में सबसे पहले आपको कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में हमेशा रहने चाहिए, कुछ गोल्डन पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए अबाउट साइकेट्रिक। साइकेट्रिक में ऐसा है कि जैसे आपको एक पूछा जाता है कि हु इज द फर्स्ट नर्स, कौन थी पहली नर्स, कौन थी, तो आप लोगों के फेस पे आप सबसे पहले ये कहते हो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वैसे ही मेंटल हेल्थ नर्सिंग में अगर पूछा जाए हु इज द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, तो आप किसका नाम लोगे? आपके हु इज द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी, तो फर्स्ट साइकेट्रिक का नाम, जो साइकेट्रिक नर्स थी उसका नाम था लिंडा रिचर्ड। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि आपके साइकेट्रिक सब्जेक्ट में अगर आपको कोई पूछता है कि हु इज द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, तो लिंडा रिचर्ड सी इज द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। इसके अलावा सेकंड, हु इज द फर्स्ट साइकेट्रिक मदर, साइकेट्रिक मदर कौन है आपकी, साइकेट्रिक मदर कौन है आपकी, फर्स्ट साइकेट्रिक मदर, साइकेट्रिक मदर जो है वो आपकी फर्स्ट साइकेट्रिक मदर कौन है, हेल्डगार्ड पिपुल, कौन है, हेल्डगार्ड पिपुल से इज द फर्स्ट साइकेट्रिक मदर। उसके बाद बात आती है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक, मॉडर्न साइकेट्रिक के जो फादर है वो कौन है, फिलिप पिनर ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक और फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक, ये दो अलग अलग पर्सन है, ठीक है। अगर फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक पूछा जाता है तो आपको बताना है फिलिप पिनर, और अगर फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक पूछा जाता है तो वो आपको बताना है बेंजामिन रूश, ठीक है। वो आप आगे जाके पढ़ोगे। फर्स्ट वन हु इज द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, साइकेट्रिक नर्स कौन सी है, लिंडा रिचर्ड, कौन है, लिंडा रिचर्ड, ठीक है। सेकंड वन हु इज द मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्स, हु इज द मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्स, हेल्डगार्ड पिपुल, हेल्डगार्ड पिपुल सी इज द मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्स, एंड हु इज द फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ साइकेट्रिक, तो फादर ऑफ साइकेट्रिक कौन है, फिलिप पिनर। ये हैं आपके कुछ गोल्डन पॉइंट्स, थ्री पॉइंट्स जो आपके माइंड में आपको रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कुछ
ठीक है। मैं आपको ईयर बाय ईयर आपके साइकेट्री में कैसे डेवलपमेंट हुआ ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट वन 1773 में क्या हुआ, 1773 में फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल अमेरिका में विलियम्सबर्ग वर्जीनिया शहर का नाम है, अमेरिका में सिचुएटेड है विलियम्सबर्ग वर्जीनिया, वहां पर जाके क्या हुआ फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल बना। ठीक है, क्या हुआ 1773 में फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल अमेरिका में विलियम्सबर्ग वर्जीनिया में बना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1812, किसकी बात करते हैं 1812 की। 1812 में क्या हुआ, इसमें आपके ये बेंजामिन यूज में किया जाता था 1927 में।
लेकिन इसमें क्या था, इंसुलिन की हाई डोज प्रोवाइड करवाई जाती थी और इंसुलिन की हाई डोज के कारण पेशेंट क्या होते थे, हाइपो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में जाते थे, जिसमें कुछ पेशेंटों की डेथ हो जाती थी। इस कारण क्या किया, जो इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट है उसको बंद कर दिया गया। और जब 1938 में ईसीटी का यूज हुआ तो ईसीटी का यूज किया जाने लगा 1938 से। ठीक है, 1938 के बाद करते हैं बात 1946 की। ये कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जो कहीं ना कहीं साइकेट्री के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं 1946। अगर आप लोगों को नॉलेज हो तो अपना जो कोर्स है जो आप लोग कर रहे हो बीएससी नर्सिंग कोर्स, ये बीएससी नर्सिंग कोर्स कब स्टार्ट कर दिया गया था, 1946 में। बीएससी नर्सिंग कोर्स स्टार्टेड इन 1946। 1946 के बाद में 1949 में फर्स्ट टाइम लिथियम यूज्ड फॉर मेनी पेशेंट। ठीक है, 1949 में क्या हुआ, मेनिया वाले पेशेंटों के लिए एक मूड स्टेबलाइजर ड्रग आती है जिसे आप क्या कहते हो, लिथियम। लिथियम का फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया पेशेंट के लिए 1949 में। ठीक है, अब बीएससी नर्सिंग कोर्स स्टार्ट हुआ 1946 में। ठीक है, और 1949 में जाकर आपके लिथियम का यूज हुआ। बट जब बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ तो उस प्रोग्राम में आपके साइकेट्रिक नर्सिंग को कब इन्वॉल्व किया गया, समझ लो, मतलब अगर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें साइकेट्रिक कोई सब्जेक्ट नहीं था। बट इन 1956 और 1965 में क्या क्या हुआ, 1956 में तो वन ईयर पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन निमांस, 1956 में जाकर निमांस में साइकेट्रिक के बारे में वन ईयर का और सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट हुआ। ठीक है, कब हुआ, 1956 में। और 1965 में जाकर 1956 के बाद में 1965 में जाकर साइकेट्रिक एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन बीएससी नर्सिंग, समझ रहा बात को, 1946 में बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम हो गया, स्टार्ट हो गया, 49 में लिथियम का यूज किया गया, लिथियम के बाद में 56 में जाकर निमांस, निमांस कौन सा वाला, जो बेंगलोर में, बेंगलोर में जो निमांस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जिसको आप लोग बोलते हो, वहां निमांस में वन ईयर का पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करने लगे। ठीक है, उसके बाद में जाकर 65 में बीएससी नर्सिंग में साइकेट्रिक सब्जेक्ट एड किया गया, कब जाकर, 65 में जाकर। उसके बाद ये तो बात हुई 65 की, 65 में आपके बीएससी नर्सिंग में इसको ऐड कर दिया गया, तो 1975 में
psychiatric started as MSc nursing program. ठीक है, 1975 में जाकर क्या किया, 1975 में जाकर साइकेट्रिक को स्टार्ट कर दिया गया एज ए एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम। मतलब साइकेट्रिक में एमएससी कब से होने लगी, 1975 में जाके। ठीक है, उसके बाद में जब 1975 में एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया, एमएससी प्रोग्राम को स्टार्ट किया 1975 में, तो उसके बाद में 1986 में जाकर साइकेट्रिक एंड इन जीएनएम करिकुलम, साइकेट्रिक को 1986 में जाकर और जीएनएम करिकुलम में जोड़ दिया गया। और लास्ट वन 1987 में क्या हुआ, 1987 में इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, इंडियन मेंटल इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पास हुआ 1987 में। ठीक है, तो आप लोगों को जो ये माइलस्टोन पढ़ाए हैं ये आप लोगों के माइंड में रहने चाहिए। कौन कौन से, लिंडा रिचर्ड, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, फादर और मदर कौन से हैं, हेडगार्ड पिटून मदर ऑफ साइकेट्रिक, फादर कौन है, फिलिप पिनन। ठीक है, इसके अलावा 1773 में क्या हुआ, 1773 में अमेरिका में फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल इन विलियम्सबर्ग वर्जीनिया में खोला गया, सेकेंड वन। उसके बाद 1812 में बेंजामिन ड्यूस ने साइकेट्रिक पर टेक्स्ट बुक लिखी, इसीलिए उसको क्या कहा गया, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। 1912 में क्या हुआ, यूजन ब्लूरल ने क्या किया, सिजोफेनिया टर्म का यूज किया। उसके बाद में 1927 में इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट, 1938 में यस इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, 1938 में क्या था, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। उसके बाद 1946 में आपकी बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। उसके बाद 1949 में जाकर आपको लिथियम जो मूड स्टेबलाइजर ड्रग है वो मेनिया वाले पेशेंटों के लिए यूज में लेने लगे। 49 के बाद में आपने क्या किया, सबसे पहले 56 में जाकर क्या स्टार्ट किया, 1 ईयर पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन एडवांस। उसके बाद में 67 में जाकर साइकेट्रिक को बीएससी नर्सिंग का पार्ट बनाया। 75 में जाकर आपने क्या किया, इसमें एमएससी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया। 86 में जाकर इसमें क्या किया, आईएनसी ने साइकेट्रिक नर्सिंग को जीएनएम करिकुलम में ऐड कर लिया। और लास्ट वन 1987 में जाकर इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पास हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये चीजें इस चैनल से आप लोग लीजिए, आपके नोट्स डिटेक्ट कीजिए और कंटिन्यू हमारे साथ बनिए, जिससे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास मिलती रहे। आज के लिए इतना ही।